कब से है? तो आदिवासी से चला आ रहा है। तो क्या हुआ, ओवरहेड टैंक बन रहा था आपके गांव में, तो क्या ओवर हुआ? ओवर टैंक जो बन रहा है 3 साल से बन रहा है, और 3 साल से बन रहा है, अभी तक सप्लाई भी नहीं हुआ और टंकी बनकर तैयार नहीं हुई। गांव की जो नाली सोलिंग RCC सब काट दिए गए, उखाड़ दिए गए। गांव की भी माहौल खराब है, और हम लोग को अभी तक स्वच्छता स्वच्छ पानी पीने को नहीं मिला। किस तरह की दिक्कतें होती हैं स्वच्छ पेयजल ना मिलने के कारण? स्वच्छ पेयजल ना मिलने के कारण कई दिक्कतें आती हैं, अनेकों अनेक बीमारियां, तमाम बच्चे बीमार हो जाते हैं, तमाम लोग को पथरी हो जाती है, तमाम लोग लीवर से कमजोर हैं, तमाम लोग गैस से बीमारी हैं, बहुत से लोग जा करके बहुत बहुत लोग तुलसीपुर से पानी ला कर पीते हैं, बहुत से लोग नहीं पाते हैं तो नल ही का पानी पीते हैं, कुआं का पानी पीते हैं, इसलिए बहुत परेशान हैं। जैसे पहले ये पता चला था कि पिछले सरकार में कई ग्राम पंचायत को स्वच्छ पेयजल के अंतर्गत लिया गया था, जिसमें हमारा ग्राम पंचायत माधोडीह भी था। उसके बाद में काम उसी सरकार में चालू हुआ, 3 साल हो गया, पूरे गांव के रोड और खड़ंजा खोद डाला गया, अभी तक के उस पर कोई काम नहीं हुआ। RCC भी काट दी गई और पाइप तो बिछा दिया गया, लेकिन जैसे के तैसे आज भी पड़ा हुआ है। और स्वच्छ पेयजल के अंतर्गत जो शासन की मंशा थी वो फेल हो रही है। ग्रामीण स्वच्छता पेयजल मिशन के तहत इस ओवर टैंक का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे ही जिले में कई ओवर टैंक्स बनाए जा रहे हैं जो गांवों में पानी की सप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कई सालों से ऐसे ही लटके पड़े हुए हैं। ग्रामवासियों को स्वच्छ पेयजल तो आज तक मैसर नहीं हो सका, लेकिन उनकी चलने के लिए जो सड़कें बनाई गई थीं, जो नालियां बनाई गई थीं, वो भले ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई। इस पूरे मिशन को अगर देखा जाए तो गांवों के जिन ऐसे गांवों का चुनाव किया गया इसमें जहां पर पेयजल या तो बहुत खराब है, जिसमें आर्सेनिक, आयरन या यूरिया या इस तरह की तमाम चीजें ज्यादा मात्रा में पाई जा रही हैं, या वहां पे नल इत्यादि लगने में काफी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन सरकार की इस मंशा पर अधिकारी शिथिल बने हुए हैं और कई सालों से ये सारे प्रोजेक्ट लटके हुए हैं, जिससे ग्रामीणों को आज तक पेयजल मैसर नहीं हो सका है। बलरामपुर के माधवडीह से मैं योगेंद्र पाठी, ETV भारत के लिए।